लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग जारी है। दिल्ली में सीईसी राजीव कुमार ने अपने परिवार के संग वोट डाला है। वोटिंग के बाद राजीव कुमार ने लोगों से वोटिंग की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब मैंने पहली बार मतदान किया था तब मैं अपने पिता के साथ गया था और आज वह 95 साल के हैं। उन्होंने आज मेरे साथ मतदान किया है, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और हर मतदाता को अपना वोट जरूर डालना चाहिए। बहुत ही गर्वपूर्ण विषय है मेरे लिए। जब पहली बार मैंने वोट डाला था तो फादर के साथ गया था और आज फादर को साथ लेके आके, फादर इज नाउ 95 ईयर्स और 95 वर्ष की उनकी आयु है। उन्होंने मेरे साथ आज वोट डाला, मेरी वाइफ के साथ भी हम हैं, सब लोग, बेटी भी है, तो सब फैमिली में 3 जनरेशन में वोट हम लोग एक साथ डाले आज। ये बड़ा मेरे लिए गर्व का विषय है और हर वोटर को पूरे कंट्री में जरूर वोट डालना चाहिए। यूथ को, हर किसी को वोट डालना। और इस बार हमने कोशिश भी बहुत की है कि इसको बहुत ही समावेशी बनाए। समावेशी यानी घर में अगर कोई जाना चाहता है, मैंने पिताजी से कहा कि आपका वोट घर में डलवा देंगे, बोलते नहीं मैं तो बूथ पे जाऊंगा,